नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नीलम स्टडी हब। जैसा कि आपको पता है, हमने इंडिया का स्टडी पार्ट स्टार्ट किया हुआ था और इसी में हम पढ़ रहे हैं आज भारत के जो नदियों किनारे बसे हुए कुछ शहर हैं या नगर हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से जो नगर हैं या शहर हैं भारत की नदियों के किनारे बसे हुए हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। चलो पढ़ते हैं आज। लगभग एक क्वेश्चन इनमें से देखने को मिलता है पेपर में कि कौन सा शहर पूछ लिया जाता है, ये कौन सी नदी किनारे है, तो देखते हैं इनमें। सबसे पहले देखते हैं लेह, लेह लद्दाख, और लेह को क्या अलग किस नाम से जाना जाता है, किस बात से जाना जाता है कि ये भारत का सबसे ऊंचा क्या है वोटिंग स्थान है। ठीक है, दूसरा देखते हैं श्रीनगर। श्रीनगर कौन सी नदी किनारे है, झेलम, आगे देखते हैं लुधियाना, फिरोजपुर, लुधियाना, फिरोजपुर दोनों कहाँ है पंजाब में, और कौन सी नदी किनारे हैं, सतलुज। ठीक है, उसे आगे देखते हैं अजमेर, राजस्थान में है, लूनी नदी। आगे देखते हैं उदयपुर, उदयपुर कौन से नदी किनारे है, साबरमती। ये दो तीन बार पूछा गया है एग्जाम में, मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं, बट जो एक दो बार देखने को ज्यादा मिल जाते हैं तो उनके बारे में ज्यादा फोकस होता है, बट अब इनमें से मिले हैं क्वेश्चन तो ये सारे ही याद करने हैं। कोटा, कोटा राजस्थान में, कोटा कौन सी नदी किनारे है, चंबल। कोटा से अब क्या है कि जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं ओम प्रकाश बिड़ला, वो यहाँ से सांसद है। ठीक है, कौन कौन सा पढ़ा हमने, ले, सिंधु नदी, श्रीनगर, झेलम नदी, लुधियाना, फिरोजपुर पंजाब में, सतलुज नदी किनारे, अजमेर, लूनी नदी, उदयपुर, साबरमती नदी और कोटा, चंबल नदी। ठीक है, और देखते हैं आगे, देखते हैं नंबर 8 पे यमुनानगर। यमुनानगर कहाँ है, हरियाणा में, यमुनानगर। यमुनानगर यमुना नदी किनारे हैं। और देखते हैं कौन सा पड़ा था, यमुनानगर, दिल्ली, यमुनानगर, दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद। यमुनानगर, दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, तीनों चारों यमुना नदी के। ठीक है, और देखते हैं हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, इलाहाबाद यमुना नदी किनारे भी बसा हुआ है, गंगा नदी किनारे बसा हुआ है, गाजीपुर, भागलपुर, पटना। वैसे तो गंगा नदी किनारे बहुत सारे शहर बसे हुए हैं, बट उनमें से जो इम्पोर्टेंट है उनमें से कुछ प्रमुख देखे जाते हैं जो किसी बात के लिए फेमस है तभी उनको पूछा जाता है, तो ये सब है गंगा नदी। आगे देखते हैं बरेली,
बरेली है, रामगंगा नदी, लखनऊ, जौनपुर, लखनऊ और जौनपुर है गोमती नदी किनारे। हमने भारतीय उपनाम पढ़े थे, उनमें पढ़ा था कि लखनऊ को नवाबों का शहर बोला जाता है, और उसमें भी बताया था मैंने कि लखनऊ गोमती नदी किनारे। यमुनानगर दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद यमुना नदी किनारे है। कानपुर, पटना, इलाहाबाद, गाजीपुर, ये सारे गंगा नदी किनारे हैं, और इलाहाबाद दोनों ही नदी के किनारे हैं, गंगा और यमुना। आगे देखते हैं, जबलपुर, जबलपुर है नर्मदा नदी किनारे, और नदियों का उद्गम स्थल भी पूछा जाता है, अगले वीडियो में करेंगे हम वो, कौन सी नदी कहाँ से उद्गम होती है। जबलपुर पढ़ लिया, उज्जैन, क्षिप्रा नदी, एक क्या बात याद रखनी है हमें इससे कि उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे है। और एक और बात कि भारत में चार जगह पर कुंभ का मेला लगता है, तो उनमें से एक जगह उज्जैन भी है। और कौन कौन सी जगह है जहां पर कुंभ का मेला लगता है, वैसे कुंभ का मेला 12 साल बाद लगता है, लेकिन हर जगह पर चार चार साल में लगता है, तो उसी जगह पर दोबारा से वो होता है, तो 12 साल पूरे हो जाते हैं, इसलिए बोला जाता है कि 12 साल बाद कुंभ का मेला लगता है, अब वैसे 4 साल बाद होता है। कौन कौन सी जगह पे लगता है, उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे, एक प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, यहाँ गंगा और यमुना, गंगा नदियों का और यमुना नदी का संगम है प्रयागराज में। उसके बाद नासिक, उज्जैन में, प्रयागराज में, नासिक में, और एक हरिद्वार। चार जगह पर भारत में कुंभ का मेला लगता है। आगे देखते हैं, नासिक, अब ये पूछा जा सकता है कि नासिक में कुंभ का मेला लगता है, और नासिक कौन से नदी किनारे है, गोदावरी, ठीक है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल पता होगा त्र्यंबकेश्वर से होता है, वहां पर है ना शिव, क्या है कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, महादेव मंदिर है, वहां पर शिवलिंग के तीन रूप देखने को मिलते हैं, ये बात बहुत पूछी जाती है। गोवा, मांडवी नदी के आगे देखते हैं, हैदराबाद, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी, मूसी नदी के, हैदराबाद पढ़ा, मूसी नदी किनारे। आगे देखते हैं, कुर्नूल, कुर्नूल के बारे में बताया था मैंने कि पीछे की वीडियो में कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना, और पहले आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या थी, हैदराबाद, और बाद में जब तेलंगाना 2014 में इससे अलग हुआ तो बाद में कैपिटल बन गई है वो तेलंगाना की। तो अब आंध्र प्रदेश की वैसे तीन राजधानियां बनानी मतलब प्रशासनिक राजधानियां बनाई जा रही है, एक तो कुर्नूल है, एक अमरावती है, और एक विशाखापट्टनम। कुर्नूल कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है, तुंगभद्रा नदी, ठीक है, अब ये याद रखना है क्योंकि आंध्र प्रदेश की तीन राजधानियां बनाई जा रही है, तो उनमें से पूछा जा सकता है कुर्नूल कहाँ से रिलेटेड है, या फिर आंध्र प्रदेश की जो तीसरी राजधानी है वो क्या है, या फिर कुर्नूल कौन सी नदी किनारे बसा हुआ, तुंगभद्रा नदी। एक ही क्वेश्चन तीन चार बातों से लिंक होता है। श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम कौन सी नदी किनारे है, कृष्णा नदी।
श्री रंगपट्टनम की संधि याद होगी कि टीपू सुल्तान से संबंधित, अगर पूछा जाता है कि श्री रंगपट्टनम की संधि किससे संबंधित है, टीपू सुल्तान से। ग्वालियर, चंबल, और ग्वालियर से एक बात याद रखनी है कि जो सबसे पहले भारत में कोहिनूर हीरा की बात बोल पा रही है कि कोहिनूर हीरा था और वो 1739 में नादिर शाह ईरान का शासक आया था और मोहम्मद शाह रंगीला से ले गया था और उसके साथ ही वो ले गया था तख्त ताउस, ठीक है, जो सोने का सिंहासन बना हुआ था उसको भी ले गया था। लेकिन जो सबसे पहले बात होती है कि वो आया कहाँ से था कोहिनूर का हीरा, जब इब्राहिम लोदी ने 1526 में युद्ध हुआ था बाबर के साथ, तब ग्वालियर का राजा था विक्रमादित्य, ग्वालियर का राजा था विक्रमादित्य, उसके पास था वो कोहिनूर का हीरा और वहां से बाबर ने लिया था। आगे देखते कोयम्बटूर, कोयम्बटूर कौन सी नदी किनारे है? कहाँ है कोयम्बटूर? तमिलनाडु। और कोयम्बटूर में क्या है? कोयम्बटूर में तंबाकू, तंबाकू के लिए जैसे कोयम्बटूर में क्या था? गन्ना प्रजनन केंद्र, भारत का गन्ना प्रजनन केंद्र अगर पूछा जाए कहाँ पर है, उसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है? तमिलनाडु कोयम्बटूर में। वैसे गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? यूपी में। तो गन्ने की मिलें सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी? यूपी में। और चीनी सबसे ज्यादा कहाँ होगी? तो इससे यूपी में होगी। तो एक बात से ही लिंक होगी, बट उसका मुख्यालय पूछा जाए तो कहाँ होगा? तमिलनाडु, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं अमरावती, जैसे कुरनूल पढ़ा था वैसे अमरावती कृष्णा नदी किनारे। अभी मैंने बात की थी कि एक वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, इनका उद्गम स्थल पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है, यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ से, गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है, तो इनके स्टडी पार्ट की तरह हम पढ़ेंगे। कलकत्ता, कलकत्ता कौन सी नदी के किनारे है? हुगली नदी, ठीक है। और डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी दोनों असम में है, ब्रह्मपुत्र। डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी किनारे। और एक बात और, ब्रह्मपुत्र नदी है ये नाम, इसको ब्रह्मपुत्र भारत में ही आकर मिला है, क्योंकि जब ये तिब्बत के सोमालांगचू ग्लेशियर से निकलती है ना, वहां पर इसका नाम क्या है? सांगपो। और जब अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है वहां पर इसका नाम होता है दिहांग, और जब ये असम में एंट्री करती है वहां पर इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। और भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी में। क्या नाम है उसका? मांझली द्वीप। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है पेपर में कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पर है, और अपने इंडिया के पेपर में तो पूछा ही जाता है स्टेटिंग में कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी नदी में है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में है। तो बड़ा पूछ लिया तो छोटा कहाँ मिलेगा? छोटा भी याद रखना पड़ेगा। तो वो कौन सा है? उमानंदा। और वो कहाँ पर है? उमानंदा द्वीप कहाँ है? वो भी इसी नदी में है, ब्रह्मपुत्र नदी में, और वो भी असम में ही है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा? डिब्रूगढ़ गुवाहाटी दोनों ब्रह्मपुत्र नदी किनारे हैं, और उससे आगे पढ़ा हमने ब्रह्मपुत्र का नाम कहाँ पर कहाँ है, क्या क्या है वो पढ़ लिया, और सबसे छोटा द्वीप सबसे बड़ा द्वीप।
आगे देखते हैं चेन्नई। गोवा पढ़ लिया, गाजीपुर ये सब भी पढ़ लिया, ग्वालियर पढ़ा था, जो कोहिनूर हीरे वाली बात बताई थी उसमें चंबल नदी किनारे। तो दोस्तों ये थे अपने भारत के प्रमुख नदी किनारों में से शहर। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन हमें उनमें से मेजर मेजर पढ़ने हैं जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू।